हेलो हाय गाइज एवरीवन, ये ओप्पो का A57 है। आज इसको पूरा अनबॉक्सिंग करके फ़ोन को देखेंगे। 4 GB 16 4 GB आता है और ये फ़ोन बहुत अच्छा था लुक के अंदर भी, और ये 14,000 का फ़ोन आता है ये न्यू फ़ोन। अभी इसको पूरा पूरा अनबॉक्सिंग करके देखेंगे। और आपको ये पीछे के इसके दो कैमरे हैं, और इसका देखो फ़ोन लुक के अंदर बहुत अच्छा है, और ये इसका पूरी एसेसरीज भी देखेंगे। और ये देखो, ये साइड में इसका फिंगरप्रिंट आता है, और ऑन ऑफ का स्विच और फिंगरप्रिंट साइड साथ में आता है। और लुक में बहुत अच्छा फ़ोन है, और एकदम ज़बरदस्त फ़ोन है जो कम बजट के अंदर और अच्छा फ़ोन है। देखो इसका अपने अब देखते हैं अबाउट फ़ोन खोल के पूरा पूरा। यहाँ पे लिखा हो A57 है, और 4 GB रैम है, 1 GB एक्स्ट्रा रैम वाला सिस्टम है अंदर। ये देखो वन प्लस कर सकते हैं, एंड्रॉयड 12 है, और हेलियो G35 का प्रोसेसर आता है, मीडिया टेक हेलियो G35 का। और 4 GB 16 4 GB फ़ोन लुक के अंदर बहुत अच्छा आता है और ज़बरदस्त बना हुआ है। पीछे के दो कैमरे हैं। उसकी जो डिस्प्ले की साइज़ है वो 6.53 इंच की आती है, IPS LCD इसके अंदर डिस्प्ले आती है। और पीछे के दो कैमरे हैं, जो मेन कैमरा है ऊपर वाला ये 13 का है, ये 2 का है, और LED फ्लैश है, और फुल HD के साथ में 3 FPS के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है। और आगे की जो सेल्फी कैमरा है वो 8 MP का आता है, वो भी फुल HD के साथ में, 5000 mAh की बैटरी है, और उसके अंदर 33 वोल्ट का सुपर व्यू करके चार्जिंग आता है, USB Type-C के साथ में वो करके आता है चार्जर। और लुक में भी फ़ोन बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अपने देखते हैं 12-13 हज़ार की रेंज में जैसे लेने जा रहे हैं, तो बाकी कंपनी के कंपेयर में ओप्पो वीवो में फ़ोन अच्छे आते हैं। और ओप्पो का ये फ़ोन बहुत अच्छा है, कैमरा फ़ोन भी आप मान दें, और उसके अंदर 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी दे दिया 14,000 में, और कैमरा भी बहुत अच्छा है, और चार्जर भी, और फ़ोन भी लुक में भी बहुत अच्छा है। जो डिज़ाइन है उसकी देखी जाए तो बहुत अच्छी है, 2 SIM कार्ड प्लस मेमोरी कार्ड भी लगता है। और उसका बॉडी से लेकर हर चीज़ से लेकर, ये जो पीछे का पैनल है प्लास्टिक का आता है, परंतु फ़ोन लुक में बहुत अच्छा है। जो ये प्राइस में किसी को लेना हो 13-14 हज़ार की रेंज में, तो ओप्पो में ये बहुत अच्छा फ़ोन है A57। और दूसरा भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन आते रहते हैं जैसे अलग अलग रेंज के हिसाब से।